एक तरफ ऋषित खुद का दर्द छुपाते हुए अपनी मीटिंग्स में बिजी हो गया, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एक बुटीक में 23 साल की निशा अपने केबिन में बैठी कुछ फाइल्स चेक कर रही थी। निशा की बुटीक ने इस साल काफी अच्छा बिजनेस किया। जल्दी निशा की बुटीक को एक बड़ी डील मिलने की चांसेस भी थे, जिसकी वजह से निशा काफी खुश थी। तभी निशा को बुटीक से कुछ आवाज आने लगी। निशा केबिन के बाहर आई और उसने देखा तो लगभग निशा की ही उम्र का एक हैंडसम आदमी निशा की असिस्टेंट जोया से फ्लर्ट किया जा रहा था और 4 साल का एक क्यूट सा बच्चा बुटीक में रखे लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। उन दोनों को देखकर निशा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। निशा ने उस आदमी और बच्चे की तरफ देखते हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? निशा की आवाज़ सुनकर हैंडसम आदमी और वो बच्चा दोनों की नजरें निशा की तरफ मुड़ी और बच्चा अगले ही पल निशा की तरफ भागते हुए आया और बोला, मम्मा। निशा ने बच्चे को अपनी बाहों में उठाकर गले से लगा लिया। वो हैंडसम आदमी निशा और उसके बेटे को ऐसे देख मुस्कुरा रहा था। निशा ने बच्चे को नीचे उतारते हुए फिर से पूछा, तुम दोनों यहाँ कैसे? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स तुमसे मिलने आए हैं। ये सुनकर निशा मुस्कुराई। वो बच्चा फिर से लैपटॉप पर गेम खेलने में लगा और वो आदमी निशा के पीछे पीछे निशा के कैबिन में आ गया। निशा के सामने चेयर पर बैठते हुए वो आदमी बोला, वाह लगता है तुम्हारे बुटीक का काम काफी बढ़िया चल रहा है। निशा ने अपने सामने पड़ी एक फाइल खोलते हुए उस आदमी की तरफ देखा। वो आदमी था मिहिर सक्सेना, जिसका खुद का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का छोटा सा बिजनेस था, पर वो सारे काम छोड़कर यहाँ निशा के सामने बैठा था। निशा ने मिहिर से कहा, हाँ सब बढ़िया चल रहा है मेरा, लेकिन तुम्हारा क्या, आज कोई मीटिंग या काम नहीं है तुम्हें? निशा के सवाल पर मिहिर उखड़ते हुए बोला, ये तुम अपने प्यारे बच्चे से क्यों नहीं पूछती? आज कुछ खास काम नहीं था, कोई मीटिंग्स नहीं थी, तो सोचा था मस्त आराम करूंगा, लेकिन नहीं, तुम्हारे प्यारे बेटे से ये देखा ही नहीं जाता कि मैं चैन से बैठूं, जबरदस्ती मुझे यहाँ पर ले आया। ये सुनकर निशा की हंसी छूट गई और हंसते हुए उसने कहा, कुछ भी मिहिर, 4 साल का बच्चा है वो तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पर कैसे ला सकता है? मिहिर भी मुस्कुराया और बोला, अच्छा तुम्हारा ये 4 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है ये तुम भी नहीं जानती। लोगों से अपना काम निकलवाने का हुनर इस उम्र में भी इसके पास कहां से आया है पता नहीं। लोगों से कुछ भी करके अपना काम निकलवाने का हुनर तो ऋषित में जैसे कूट कूट कर भरा था, और अब ऋषित का ये हुनर ऋषित के बेटे में भी आ गया है। क्यों ना हो, कोई ना भी चाहे तो भी पापा के कुछ गुण तो बच्चे में आएंगे ही। निशा बस मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल जैसे ही निशा ने मिहिर को सुना, निशा की मुस्कान थम सी गई। मिहिर निशा से बोला, वैसे रिद्धिमा, लेकिन जैसे ही मिहिर को एहसास हुआ कि उसने क्या बोला, मिहिर अगले ही पल रुका और निशा के बदले एक्सप्रेशन देखकर वो खुद को दिल ही दिल में कोसने लगा। फौरन निशा के मुंह से निकला, इस नाम से मत बुला करो मिहिर। निशा नहीं चाहती थी गलती से भी उसका ये नाम किसी और के सामने आए। शर्मिंदगी से मिहिर माफी मांगते हुए बोला, सॉरी यार, वो गलती से मुंह से निकल गया। निशा ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, मिहिर उस नाम के साथ साथ मैं वो जिंदगी भी अब बहुत पीछे छोड़ आई हूँ, अब तो यही मेरी जिंदगी है। बीते हुए कल से मैं दूर ही रहना चाहती हूँ। मेरा बीता हुआ कल न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे बेटे के लिए भी खतरनाक है। मैं किसी भी हालत में अपने बेटे को खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए घर पर तो मुझे रिद्धिमा बुलाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर के बाहर निशा सक्सेना ही मेरी पहचान है। मिहिर भी सीरियस होते हुए बोला, मुझे पता है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा, और अब तो तुम्हारे साथ तुम्हारा शैतान बच्चा है ना। ये सुनकर निशा मुस्कुराई और उसने मिहिर से पूछा, और बताओ तुम्हारे ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऑफिस की बातें छोड़ो, वहाँ सब अच्छा, तुम्हारे बुटीक में सब कैसा है? मतलब वो तुम्हारी असिस्टेंट, मैं उसके बारे में पूछ रहा था। निशा यानी रिद्धिमा ने आंखें गोल घुमाते हुए पूछा, मेरी असिस्टेंट के बारे में क्या पूछना है? मिहिर एक्साइटेड होकर बोला, अरे मैं पूछ रहा था वो तुम्हारी असिस्टेंट है ना, क्या नाम है उसका? मिहिर अचानक चुप होकर रिद्धिमा की असिस्टेंट का नाम याद करने की कोशिश करने लगा, जो कि मिहिर को याद ही नहीं आ रहा था। तभी आंखें सिकोड़ते हुए निशा बोली, इतनी देर से तुम उससे फ्लर्ट कर रहे थे और तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता? जोया, जोया नाम है उसका। मिहिर ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, हाँ जोया, क्या वो सिंगल है या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड है? मतलब मेरे लिए कोई चांस है क्या? जिस पर निशा खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई और मुस्कुराते हुए उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ट्राई करने की कोशिश भी मत करो, मैं नहीं चाहती उसका दिल विल टूटे और जोया मेरी जॉब छोड़कर भाग जाए। ये सुनकर मिहिर की आंखें बड़ी हो गई। बिगड़ते हुए उसने बोला, अरे मतलब क्या तुम्हारा? मैं क्या लड़कियों के दिल तोड़ते फिरता हूँ? लड़कियां ही मेरा दिल तोड़ देती हैं शादी की बात करके। ये सुनकर निशा खिलखिलाते हुए हंसने लगी तो मिहिर ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, अरे तुम हंस रही हो, कैसी दोस्तों यार, तुम्हें तो उल्टा मेरी मदद करनी चाहिए। मिहिर की बात सुनकर निशा फिर से हंसने लगी। हंसते हुए निशा बोली, मैं तुम्हारी मदद करूं? ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होगा। वैसे भी जोया अच्छी लड़की है, उसकी तुम्हारे साथ सेटिंग करा के मैं बेचारी के साथ बुरा नहीं करना चाहती। मिहिर निशा को घूरने लगा और बोला, मतलब मैं बुरा लड़का हूँ? निशा ने फिर सीरियस होते हुए कहा, तो फिर तुम अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाना, न जाने कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं अब तक तुम्हारी। निशा की बात सुनकर मिहिर भी अब सच में इरिटेट होने लगा और इरिटेट होते हुए बोला, ओ प्लीज अब तुम भी माँ की तरह बातें मत करो, तुम तो दोस्त हो मेरी, तुम्हें तो समझना चाहिए मुझे। मिहिर की बातें सुनकर निशा ने बस ओके में सर हिलाया। निशा को पता था कि मिहिर इतनी आसानी से तो समझेगा नहीं। जब से निशा यानी रिद्धिमा मिहिर से मिली थी, तब मिहिर की दोस्त बनी निशा को ये बात पता चली कि मिहिर एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन प्यार और शादी पर मिहिर को यकीन नहीं था, इसी वजह से उसकी कोई गर्लफ्रेंड टिकती नहीं थी। मिहिर फिर धीमे से मुस्कुराया और बोला, वैसे मैं सोच रहा हूँ असिस्टेंट को छोड़कर उसके बॉस को ही पटा लेता हूँ, तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो और फिर मुझे एक बच्चा भी फ्री में मिल जाएगा। ये सुनकर निशा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए पेपर वेट उठाकर मिहिर की तरफ फेंकने की एक्टिंग की। तभी हंसते हुए मिहिर ने बोला, अरे लग जाएगी मुझे। निशा भी हंसने लगी। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और निशा का बेटा अंदर आया। रिद्धिमा ने उस बच्चे की तरह देखते हुए स्ट्रिक्ट आवाज में पूछा, निशांत
ये मिहिर क्या कह रहा है? तुम जिद करके उसे यहाँ लाए हो? निशांत निशा का ये सवाल सुनते ही निशा के पास आकर बोला, मम्मा मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तो हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएं क्या? निशा हैरानी से अपने बेटे निशांत की तरफ देखने लगी। निशांत बस 4 साल का ही तो था और उसे बोर होने का मतलब भी पता था। निशांत ने जब देखा कि उसकी माँ कुछ रिएक्ट नहीं कर रही तो निशांत जैसे किसी को ऑर्डर दे रहा हो वैसे बोला, और आप दोनों कितनी बातें करते रहते हो, अब बातें मत करो और कहीं घूमने चलो। तो निशा मुस्कुराई और बोली, अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? निशांत ने जैसे फाइनल डिसीजन सुनाते हुए कहा, सबसे पहले तो मुझे बर्गर खाना है। मिहिर और निशांत के साथ निशा भी बाहर घूमने चल दी। जब रात को वो तीनों घर पहुंचे तो निशांत तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उन तीनों को साथ देखकर पड़ोस वाली आंटी ने बड़े अजीब तरीके से उन्हें देखा। मिहिर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। निशा ने भी अब लोगों की नजरों से बुरा फील करना छोड़ दिया था। जैसे ही मिहिर निशांत और निशा घर में आए, निशांत भागते हुए एक औरत के गले लग गया। वो सुधा सक्सेना थी, मिहिर की माँ। लगभग 50 साल की सुधा जी ने प्यार से निशांत को गले लगा लिया। निशांत बड़े ही एक्साइटेड होकर सुधा जी से बोला, हमने बहुत मजे किए और फिर मिहिर ने मुझे कैंडी भी लेकर दी। रिद्धिमा ने फौरन निशांत को डांट लगाते हुए कहा, निश कितनी बार कहे मिहिर मत बुलाओ उसे, मिहिर अंकल कह के बुलाओ, वो तुमसे बड़े हैं। डांट सुनकर निशांत मुंह फुलाकर बैठ गया। सुधा जी ने फौरन निशांत की साइड लेते हुए कहा, कोई बात नहीं रिद्धिमा, छोटा है वो अभी। रिद्धिमा ने एक लंबी सांस ली। यही सब रिद्धिमा की दुनिया थी। रिद्धिमा का बेटा निशांत ही अब रिद्धिमा की जिंदगी था। रिद्धिमा निशांत को प्यार से निश कह के बुलाती थी। यहाँ तक कि रिद्धिमा ने अपने खुद के डिजाइन किए हुए कपड़ों का कोई ब्रांड लॉन्च किया था। ब्रांड का नाम भी उसने निशांत के नाम से निश रखा था। धीरे धीरे रिद्धिमा का ब्रांड भी नाम कमा रहा था। बिजनेस में अभी रिद्धिमा को कई मुकाम हासिल करने थे। रिद्धिमा का बिजनेस अभी नया था, ये तो जैसे शुरुआत थी, लेकिन जो भी था जैसा भी था उसमें रिद्धिमा खुश थी। ये सब करने में सुधा जी और मिहिर ने रिद्धिमा का बहुत साथ दिया था। सुधा जी और मिहिर ने ही रिद्धिमा को एक्सीडेंट से बचाया था। मिहिर और सुधा जी के रूप में रिद्धिमा को जैसे अपना नया परिवार ही मिल गया था। अगर उस रात सुधा जी और मिहिर रिद्धिमा को नहीं मिले होते तो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होता। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा ने निशांत को सुला दिया, पर रिद्धिमा को नींद नहीं आ रही थी। 4 साल पहले इसी दिन वो ये सोचकर सो नहीं पा रही थी कि उसका पति रिशित लंदन से वापस आने वाला था, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही दिन रिद्धिमा की पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। रिद्धिमा को याद आया कि रिशित किस तरह सोनिया को लंदन से लेकर आया था और उससे रिश्ता तोड़ने की बात की थी। वो दिन याद आते ही आज भी रिद्धिमा की रूह कांप उठती थी। तभी उसे अपने पापा की याद आ गई। रिद्धिमा सोचते हुए खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं पापा कैसे होंगे, क्या पापा भी मुझे बाकी सबकी तरह मरा हुआ मानते होंगे। पर अगले ही पल रिद्धिमा ने खुद को समझाया कि अब वो निशा है, रिद्धिमा नहीं, और यही उसकी जिंदगी है। रिद्धिमा ने धीरे से निशांत के बालों को सहलाया और फिर धीरे से निशांत के गालों पर किस किया और कहा, आई लव यू बेबी, तुम ही मेरी जिंदगी हो। फिर निशांत को गले लगाकर रिद्धिमा भी सोने की कोशिश करने लगी। रिद्धिमा और उसका बच्चा आखिर कैसे उस एक्सीडेंट से बच गए? रिद्धिमा क्यों अपने पापा के पास वापस नहीं गई? क्यों रिद्धिमा को नई पहचान लेनी पड़ी? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दिल्ली में एक तरफ जहां रिद्धिमा ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली थी, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में रिशित अपने और रिद्धिमा की जिंदगी के बारे में सोचकर दुखी था। अगले दिन सुबह जब रिशित लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि उसके पापा मिस्टर अरुण अरोड़ा एक पुरानी फोटो हाथ में लिए बैठे हुए थे। जब रिशित अरुण जी के पास गया तो रिशित ने देखा कि उनके हाथ में रिशित और रिद्धिमा की शादी की फोटो थी। फोटो में रिद्धिमा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान थी, लेकिन रिशित के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे किसी ने रिशित को मुस्कुराने की सजा दे दी हो। और उस फोटो को देखकर अरुण जी की आंखें नम हो गई थी। अरुण जी ने दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से कहा, कितनी प्यारी लड़की थी रिद्धिमा, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी काश रिद्धिमा जैसी बेटी होती। एक पिता के नाते मैं जानता था कि रिशित ने यह शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैंने रिशित को मजबूर किया था, पर आज भी मैं जानता हूँ मेरा फैसला रिशित के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन शायद मेरा फैसला रिद्धिमा के लिए सही नहीं था। रिद्धिमा जैसी प्यारी और मासूम लड़की ये सब डिजर्व नहीं करती थी, उसकी इतनी दर्दनाक मौत नहीं होनी चाहिए थी। रिद्धिमा के साथ साथ रिद्धिमा का बच्चा और अरोड़ा खानदान का वारिस भी नहीं रहा। मायरा ने अरुण जी को ऐसे देखा तो वो भी दुखी हो गई। अगर अरुण और रिशिता के अलावा इस घर में रिद्धिमा को कोई याद करता था तो वो मायरा ही थी। फिर मायरा ने अरुण जी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सर ब्रेकफास्ट तैयार है। मायरा की आवाज सुनकर अरुण जी अपने ख्यालों से बाहर आए। वो धीरे से अपनी नम आंखें पोंछते हुए ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ जाने लगे। रिशित भी धीरे से आकर बैठ गया। तभी देवयानी जी और सूरज भी नाश्ता करने बैठ गए। सूरज ने रिशित की तरफ देखते हुए पूछा, भाई क्या हुआ, लगता है आप सोए नहीं रात भर। रिशित कुछ बोलता उससे पहले ही देवयानी जी बोल पड़ी, अरे रिशित बेटा तुम भी ना, अब उस बात को 4 साल हो चुके हैं, वैसे भी तुम तो रिद्धिमा से प्यार करते ही नहीं थे और रिद्धिमा तुम्हारे लायक थी भी नहीं। रिद्धिमा का नाम सुनकर फौरन रिशित के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन देवयानी जी ने अपनी बात नहीं रोकी और वो बोली, मैं तो पहले से ही तुम्हारी और रिद्धिमा की शादी नहीं चाहती थी, पर अरुण जी ने कुछ सुना ही नहीं, वरना नताशा रिद्धिमा से कई गुना अच्छी थी। नताशा देवयानी जी के भाई की बेटी थी, इसलिए देवयानी जी बहुत पहले से ही चाहती थी कि नताशा की शादी रिशित से हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देवयानी जी की बात सुनकर रिशित गुस्से से देवयानी की तरफ देखने लगा। रिशित का ये रिएक्शन देखकर देवयानी जी ने फौरन बात को बदलते हुए कहा, वैसे सोनिया भी बहुत प्यारी है और तुम सोनिया से इतने प्यार क्यों करते हो, मुझे तो तुम्हारी खुशी ही चाहिए। और अगले ही पल रिशित अपना ब्रेकफास्ट अधूरा छोड़ घर से बाहर चला गया। कुछ घंटों बाद अरोड़ा कंस्ट्रक्शन के मीटिंग रूम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी। अरुण जी और सूरज भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे।
कुछ मेंबर्स रिशित की कंपनी में लिए हुए फैसलों पर सवाल उठा रहे थे। रिशित के असिस्टेंट चिराग ने टेंशन से सोचते हुए खुद से कहा, ओह गॉड, ये सर को क्या हो गया है? हमेशा की तरह इन लोगों को कड़ा जवाब क्यों नहीं दे रहे? इतनी शांति से क्यों बैठे हैं? ऐसा लग रहा है मानो रिशित सर सिर्फ बैठने के लिए ही यहाँ बैठे हो। ऐसा लग रहा है रिशित सर का दिल और दिमाग कहीं और ही है। रिशित का ऐसा रवैया देखकर चिराग टेंशन में था, लेकिन किस्मत से अरुण जी मीटिंग में थे तो अरुण जी ने सब कुछ संभाल लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाकी के मेंबर्स चले गए। सूरज ने भी एक बार अपने पापा और फिर अपने भाई को देखा और वहाँ से चला गया। अरुण जी ने इरिटेट होकर रिशित से कहा, चुप रहकर तुम इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स को अपने खिलाफ जाने का और बढ़ावा दे रहे हो। तुम्हें आज उन्हें अच्छे से जवाब देना चाहिए था ताकि वो फिर से तुम्हारे खिलाफ ना बोल सके। रिशित ने फिर भी कुछ नहीं कहा तो उसकी चुप्पी देखकर अरुण जी परेशान होकर बोले, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ रिशित, अपने आप को संभालो। अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो साइकियाट्रिस्ट से बात करो। अरुण जी की बात सुनकर रिशित के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। उसी मुस्कान के साथ उसने कहा, थैंक यू पापा, आप थोड़ा सा ध्यान अपने दूसरे बेटे सूरज पर क्यों नहीं देते? सूरज को इसकी ज्यादा जरूरत है। रिशित की बात सुनकर अरुण जी रिशित को गुस्से में घूरते हुए वहाँ से चले गए। रिशित अपने कैबिन में आया और गुस्से में उसने अपना हाथ टेबल पर पटका और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए खुद से ही कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है पापा, आपको मेरी परवाह नहीं है, आपको मुझसे ज्यादा इस बिजनेस और अपने नाम और रुतबे से ज्यादा प्यार है। लेकिन फिर अचानक एक खत में लिखी किसी की बात रिशित को याद आ गई। उसमें लिखा था, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो बात याद आते ही रिशित खुद का गुस्सा काबू करते हुए कुर्सी पर बैठ गया और रिलैक्स होकर आंखें बंद करके लंबी सांसें लेने लगा। वो अपने गुस्से को खुद पर हावी न होने देने के लिए कोशिश करने लगा। कल रात को ठीक से ना सोने के कारण थोड़ी ही देर में रिशित की आंख लग गई। धीरे धीरे रिशित जैसे अंधेरे में डूबने लगा कि तभी अचानक कहीं से रिधिमा रिशित को अपने सामने नजर आई। रिधिमा बहुत घायल थी और रिधिमा के जख्मों से खून निकल रहा था। उसे कहीं कहीं जलने के निशान भी थे। दर्द से कराहते हुए रिधिमा ने कहा, मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है रिशित, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी ही छीन ली, इन सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। रिशित ने अगले ही पल आंखें खोली। वो इतनी तेजी से सांसें ले रहा था मानो उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। वो एसी में भी पसीना पसीना हो गया था। तभी चिराग कैबिन में आया और रिशित की ऐसी हालत देख वो घबरा गया। चिराग ने टेंशन में रिशित के पास आकर उसे संभालते हुए पूछा, सर सर आप ठीक तो है? डॉक्टर को बुलाऊं? चिराग की आवाज से रिशित जैसे होश में आया। रिशित को एहसास हुआ कि वो ऑफिस में है और वो एक सपना था। बिना कुछ बोले रिशित ने बस चिराग से पकड़ा हुआ पानी का ग्लास हाथ में लिया और एक ही बार में सारा पानी पी गया। पानी पीकर रिशित को थोड़ा अच्छा लगा। चिराग ने परेशान होते हुए फिर से रिशित से पूछा, सर आप ठीक हैं? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। चिराग की बात सुनकर रिशित ने अपना हाथ दिखाकर चिराग को रोका और बोला, मैं ठीक हूँ। चिराग जानता था कि रिशित को अपने मामले में दखल देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन रिशित की ऐसी हालत देखकर चिराग खुद को ये बोलने से रोक नहीं पाया और धीरे से उसने कहा, सर मुझे लगता है आपको आराम की जरूरत है, वैसे भी मीटिंग खत्म हो गई है, बाकी काम कल भी किया जा सकता है। रिशित ने सिर्फ हल्के से हाँ में सर हिलाया और कैबिन से निकल गया। आज शायद रिशित को आराम की सच में जरूरत थी। दूसरी तरफ दिल्ली में रिधिमा गुमसुम सी बैठी हुई थी और उसे ऐसे देखकर सुधा जी और मिहिर ने एक दूसरे की तरफ देखा। रिधिमा को ऐसे देखकर सुधा जी ने दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से ही कहा, 4 साल पहले रिधिमा हमें इसी तारीख को बड़ी बुरी हालत में मिली थी। वो घायल थी और प्रेग्नेंट भी थी। बड़ी मुश्किल से रिधिमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। बहुत मेहनत और लड़कर रिधिमा ने जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल किया है, लेकिन हर साल इस दिन रिधिमा दुखी ही रहती है। रिधिमा का मूड चेंज करने के लिए मिहिर बोला, चलो रिधिमा शॉपिंग पर चलते हैं। अरे 2 दिनों बाद तुम्हारे इस शैतान बेटे का बर्थडे जो है, फिर टाइम बना मुझसे ही सारा भागम भाग कराते हो तुम लोग। मिहिर की बात सुनकर रिधिमा धीरे से मुस्कुराई। तभी अपने बर्थडे की बात सुनकर निशान भी एक्साइटेड होकर जंप करने लगा और अपनी फरमाइशें बताते हुए बोला, मेरा बर्थडे है, मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा? मुझे बहुत बड़ा वाला केक चाहिए, डोरेमोन वाला केक चाहिए। निशान की मस्ती देखकर रिधिमा की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। अपना गम साइड रखकर उसने अपना मूड ठीक किया और फिर मिहिर के साथ निशान को लेकर शॉपिंग पर चली गई। दूसरी तरफ मुंबई में जैसे ही रिशित अपने घर अरुणा मेंशन पहुंचा, अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। अभी भी उसके कानों में सपने में रिधिमा की कही हुई बातें गूंज रही थी। रिशित ने सोचते हुए खुद से कहा, क्या सच में मैं खुद ही रिधिमा और अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ? कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ इस सवाल का जवाब, इसीलिए तो 4 साल से पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। काश मैं उस वक्त रिधिमा को अकेले जाने से रोक लेता, काश मैं कुछ दिन और रुक जाता और रिधिमा की डिलीवरी के बाद रिधिमा को मेरे और सोनिया के बारे में बताता। काश मैं उस दिन रिधिमा से थोड़ा शांति से सोच समझ कर बात करता, वो सपना नहीं हकीकत है। रिशित ने यही सोचकर आंखें बंद कर ली और फिर से एक बार वो पछतावे की आग में जलने लगा। क्या है जो रिशित को जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा है? आखिर रिशित कब तक इस पछतावे की आग में जलेगा? जानने के लिए सुनिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। निशान की बर्थडे पार्टी की तैयारियों में 2 दिन कैसे बीत गए रिधिमा को पता ही नहीं चला। सच बात तो ये थी कि रिधिमा इतने सारे लोगों को नहीं बुलाना चाहती थी, क्योंकि अक्सर लोग निशान के पापा के बारे में रिधिमा से सवाल करते थे या फिर रिधिमा के मिहिर और उसकी माँ के साथ के रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश करते थे। इतने सालों में रिधिमा अब सीख गई थी कि ऐसे लोगों को कैसे और क्या जवाब देना है। मिहिर को लोगों की बातें और सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर मिहिर की माँ सुधा जी इससे बहुत परेशान हो जाती थी। पिछले 4 सालों से सुधा जी ने रिधिमा को अपनी बेटी ही मान लिया था।
सुधा जी ने रिद्धिमा का दुख और दर्द बहुत करीब से देखा था और महसूस भी किया था, इसलिए जब भी कोई रिद्धिमा के बारे में कोई उल्टी सीधी बात बोलता था या फिर रिद्धिमा का नाम मिहिर के साथ जुड़ता था तो सुधा जी को बहुत गुस्सा आ जाता था, क्योंकि सुधा जी बहुत अच्छे से जानती थी कि रिद्धिमा और मिहिर का रिश्ता कितना पवित्र था। ऊपर से जब लोग निशान जैसे छोटे बच्चे से भी सवाल करते थे तब तो सुधा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। रिद्धिमा नहीं चाहती थी कि बर्थडे पार्टी में भी कुछ ऐसा हो, इसीलिए वो सिर्फ कुछ ही लोगों को बुलाना चाहती थी, लेकिन निशांत बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और वो अपने सारे दोस्तों को बुलाना चाहता था। ये देखकर रिद्धिमा भी मना नहीं कर पाई। रिद्धिमा ने सोचा अगर सब कुछ ठीक होता तो अरोड़ा खानदान के बच्चे का जन्मदिन किसी त्योहार की तरह अरोड़ा मेंशन में मनाया जाता। निशांत को अरोड़ा मेंशन में जो ऐशो आराम मिलता, जो पैसा, जो रुतबा और प्रॉपर्टी मिलती, वो रिद्धिमा निशांत को नहीं दे सकती। रिद्धिमा का छोटा सा बिजनेस अच्छा चल रहा था, पर अरोड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने वो कुछ भी नहीं था। भले ही रिद्धिमा निशांत को उतना पैसा या सुख सुविधाएं ना दे पाए, पर रिद्धिमा निशांत को बहुत सारा प्यार देगी। निशांत की खुशी के लिए रिद्धिमा कुछ भी करेगी। यही सोचकर रिद्धिमा बर्थडे पार्टी में कई सारे लोगों को बुलाने के लिए मान गई। पार्टी में वैसे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि मिहिर ने इस बार कई सारे गेम्स की अरेंजमेंट कर दी थी, तो सभी लोग उसी में बिजी हो गए। बर्थडे पार्टी तो अच्छे से हो गई। पार्टी के बाद निशांत ने एक्साइटेड होकर अपने सारे गिफ्ट खोलना शुरू कर दिया। सुधा जी भी निशांत की मदद करने लगी। रिद्धिमा सोफे पर आकर मिहिर के पास बैठते हुए बोली, वैसे सबको गेम्स खिलाने में बिजी रखने का आइडिया बहुत बढ़िया था। मिहिर ने मुस्कुराकर रिद्धिमा को आंख मारी और इतराते हुए बोला, आखिर आइडिया किसका था? मिहिर सक्सेना का। रिद्धिमा मुस्कुराई, लेकिन फिर अगले ही पल रिद्धिमा की आंखें नम हो गई। इमोशनल होकर रिद्धिमा मिहिर से बोली, कभी कभी मैं सोचती हूँ तो लगता है कि अगर तुम और सुधा माना होती तो पता नहीं मैं क्या करती, शायद ये सब अकेले नहीं कर पाती। रिद्धिमा को ऐसे देख मिहिर भी सीरियस हो गया और बोला, कम ऑन रिद्धिमा, 4 साल से देख रहा हूँ तुम्हें, बेस्ट फ्रेंड हो तुम मेरी, इतना तो मैं तुम्हारे बारे में जान ही गया हूँ कि तुम इतनी स्ट्रांग हो कि मैं और माँ तुम्हारे साथ ना भी होते तो भी तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लेती। ये सुनकर रिद्धिमा कुछ नहीं बोली। तभी रिद्धिमा का मूड ठीक करने के लिए फिर मिहिर ने कहा, अरे पर देखो तो सही, तुम्हारा वो शैतान बच्चा 4 साल का हो गया, अब तो निशान की शैतानियां और भी बढ़ जाएंगी। आखिरकार ये सुनकर रिद्धिमा के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने कहा, तुम तो ये बोलो ही मत, तुमने और सुधा माने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है, निशान जो बोले वो आप दोनों करने को तैयार हो जाते हो, इसलिए तो वो इतना शैतान हो गया है। मिहिर भी मुस्कुराने लगा और बोला, अरे उसकी बात माननी ही पड़ती है बाबा, नहीं मानो तो वो घर सर पर उठा लेता है, तुम्हारा बच्चा कोई सीधा साधा बच्चा है क्या? तभी निशान के साथ सुधा जी भी वहां आ गई। निशांत खुशी से रिद्धिमा और मिहिर को अपने गिफ्ट्स दिखाने लगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के अरोड़ा मेंशन में रिशित अपने कमरे से बाहर निकला। रिशित ने देखा तो स्टोर रूम का दरवाजा खुला था। रिशित थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि इस वक्त काफी रात हो गई थी। स्टोर रूम में कौन होगा ये सोचते हुए रिशित धीरे से स्टोर रूम की तरफ बढ़ा, पर तभी घर की सर्वेंट मायरा स्टोर रूम से कुछ सामान के साथ बाहर आई और रिशित को अचानक यूं अपने सामने खड़ा देख मायरा जरा सहम गई। तभी रिशित ने मायरा से पूछा, तुम इस वक्त स्टोर रूम में क्या कर रही हो मायरा? रिशित का सवाल सुनकर मायरा के माथे पर पसीना आने लगा। वो जानती थी कि रिद्धिमा का नाम सुनते ही रिशित गुस्सा हो जाएगा। वैसे भी रिशित कब किस बात पर गुस्सा हो जाए ये किसी को समझ नहीं आता था। कभी रिशित बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर देता था तो कभी छोटी से छोटी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाता था। अभी कुछ दिनों पहले ही रिशित ने एक नौकर को इसलिए काम से निकाल दिया था क्योंकि उस नौकर ने गलती से रिशित के ऊपर कॉफी गिरा दी थी। मायरा अपनी जॉब नहीं खोना चाहती थी क्योंकि मायरा के भी छोटे बच्चे थे जिनकी जिम्मेदारी मायरा पर थी। हिम्मत दिखाते हुए मायरा ने जवाब में कहा, सर वो रिद्धिमा मैम के कपड़े हैं, कुछ उन्हें कल लॉन्ड्री में देने के लिए निकाल के रख रही थी। मायरा ने सर झुकाकर ये कहा और इंतजार करने लगी कि रिशित उस पर जरूर गुस्सा करेगा, पर जब रिशित ने कुछ नहीं कहा तो मायरा ने धीरे से गर्दन उठाकर रिशित की तरफ देखते हुए कहा, वो क्या है ना सर, कपड़े काफी समय से वैसे ही पड़े हुए थे तो वो खराब हो सकते हैं, तो मैंने सोचा अच्छे से ड्राई क्लीन करवाकर पैक करके रख दूं। मायरा को याद आया कि रिद्धिमा के एक्सीडेंट के बाद जब रिशित की तबीयत काफी खराब हो गई थी तो अरुण जी ने ही मायरा को बोलकर रिद्धिमा का सारा सामान स्टोर रूम में रखवा दिया था। आज जब मायरा स्टोर रूम में कुछ सामान लेने गई थी तो उसे रिद्धिमा का सामान दिख गया था और उसने सोचा कि रिद्धिमा के लिए इतना तो वो कर ही सकती है कि रिद्धिमा का सामान संभाल कर रखते। रिशित ने धीरे से जवाब में कहा, ओके। रिशित के मुंह से ये लफ्ज सुनकर मायरा थोड़ी हैरान हो गई। मायरा को तो लगा था कि रिशित गुस्सा करेगा, फिर सामान लेकर मायरा वहां से चली गई। रिशित ने धीमी आवाज में खुद से ही बोला, रिद्धिमा क्यों तुम चली गई, मुझे एक बार माफी मांगने का चांस भी नहीं दिया। फिर रिशित उसी सोच में वापस अपने कमरे में चला गया। जब काफी रात हो गई तो आखिरकार निशांत को सोने के लिए मना कर रिद्धिमा उसे बेडरूम में ले आई। निशांत को बेड पर बैठते हुए रिद्धिमा बोली, निश चलो अब जल्दी से सो जाओ, मम्मी को कल सुबह काम पर भी जाना है। निशांत ने वैसे ही बैठकर रिद्धिमा से पूछा, मम्मा वो मेरा दोस्त शिवम है ना, उसकी मम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। ये सुनकर रिद्धिमा परेशान हो गई और उसने निशांत से पूछा, फिर तुमने क्या कहा? निशांत मासूमियत से बोला, मैंने आंटी से कहा कि मेरे पास तो पापा है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ मम्मा ही है। निशांत की मासूम सी बात सुनकर रिद्धिमा की आंख भर आई। अगले ही पल निशांत ने प्यार से पूछा, क्या हुआ मम्मा आप रो रहे हो? रिद्धिमा ने फौरन अपने आंसू पोंछ लिए और कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, मम्मा क्यों रोएंगी भला, मम्मा के पास निश जैसा क्यूट सा बेबी है, मम्मा को और क्या चाहिए, पर अब चलो सो जाओ वरना कल लेट हो जाएंगे स्कूल जाने के लिए। रिद्धिमा ने निशांत को बेड पर लिटा दिया और उसे सुलाने लगी। थोड़ी ही देर में निशांत सो गया, पर रिद्धिमा को नींद नहीं आ रही थी। निशांत की बात रिद्धिमा के कानों में गूंज रही थी कि मेरे पास पापा तो है ही नहीं, मेरे पास बस मम्मा है। फिर निशांत के बालों को सहलाते हुए रिद्धिमा धीरे से बोली, सॉरी बेबी
मम्मा ने तुम्हें कभी अपने पापा के बारे में नहीं बताया, जानबूझकर तुम्हारे सामने कभी तुम्हारे पापा का जिक्र भी नहीं किया, और तुम तो छोटे से बच्चे हो, तुमने अपने हिसाब से इसका अर्थ लगा लिया कि तुम्हारे पास पापा है ही नहीं। और रिद्धिमा को रिशित पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। दिल ही दिल में उसने सोचा, इसकी वजह तुम ही हो रिशित, आज निशान छोटा है इसलिए ये समझ नहीं पा रहा, पर जब वो बड़ा हो जाएगा तो जरूर सवाल करेगा कि उसके पापा कौन है, कहाँ है, उसके साथ क्यों नहीं है। मैं नहीं जानती मैं निशान के उन सवालों का कैसे सामना करूंगी, पर मैं एक बात अच्छे से जानती हूँ रिशित, कि तुम्हारा साया भी अब मैं अपने ऊपर या अपने बच्चे के ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। जो बाप अपने ही बच्चे को मारना चाहे, ऐसे बाप का साया भी मैं अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो रिद्धिमा सोचती थी कि रिशित निशान को मारना चाहता था? क्या रिशित को चांस मिलेगा रिद्धिमा से माफी मांगने का? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगले दिन रिद्धिमा अपनी बुटीक में काम कर रही थी। रिद्धिमा को याद आया कि उसे कुछ सामान खरीदना है, तो रिद्धिमा ने अपनी असिस्टेंट जोया को अपने कैबिन में बुलाकर कहा, जोया मुझे कुछ सामान लेकर आना है, तुम प्लीज बुटीक का ध्यान रखो, मैं सामने वाले मॉल में ही हूँ। जोया ने फौरन जवाब देते हुए कहा, जी मैडम कोई बात नहीं मैं सब देख लूंगी। रिद्धिमा ने हल्के से सर हिलाया और मॉल के लिए निकल पड़ी। थोड़ी ही देर में सामान खरीद कर अपनी शॉपिंग बैग के साथ वो मॉल के एग्जिट की तरफ आ रही थी, तभी अचानक रिद्धिमा का ध्यान एक औरत पर पड़ गया जो बेहोश होने वाली थी। सही वक्त पर रिद्धिमा ने उस औरत को सहारा दिया और उसे कहीं चोट लगने से बचा लिया, और फिर उस औरत को सहारा देकर एक जगह पर बिठा दिया। फिर रिद्धिमा ने चिंता से उस औरत से पूछा, आंटी आप ठीक हैं? उस औरत की उम्र 50-60 के बीच की थी, उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स भी थे। रिद्धिमा की तरफ देखते हुए उसने बस हाँ में सर हिलाया। रिद्धिमा ने उस औरत से कहा, आप यहीं बैठिए आंटी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रिद्धिमा फौरन उनके लिए पानी लेने चली गई, और बस एक दो मिनट में ही रिद्धिमा पानी की बोतल के साथ वापस आई। रिद्धिमा ने फिर उस औरत को पानी पिलाया, और पानी पीने के बाद उस औरत को बेहतर महसूस होने लगा। रिद्धिमा ने फिर से उस औरत से पूछा, आंटी अब आप ठीक हैं? तो उस औरत ने जवाब में धीरे से कहा, हाँ बेटा अब मैं ठीक हूँ, शायद ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आ गए थे। पर फिर भी उस औरत को यूं अकेला छोड़कर जाना रिद्धिमा को सही नहीं लग रहा था, इसलिए रिद्धिमा ने सुझाव देते हुए कहा, आंटी आप अकेले आई हैं, आप कहें तो मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर सकती हूँ। उस औरत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो मेरा बेटा मुझे लेने आ गया है, वो मॉल के सामने ही मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में निकल रही थी और चक्कर आ गए। रिद्धिमा उस औरत का हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए बोली, ठीक है फिर मैं आपके साथ चलती हूँ वहां तक। धीरे धीरे चलते हुए दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगी। औरत ने रिद्धिमा को बताया कि उसका नाम दीपा मल्होत्रा है। वैसे तो दीपा जी अपने पति और बेटे के साथ मुंबई में रहती थी, पर यहाँ दिल्ली में वो अपने किसी दोस्त के घर शादी अटेंड करने आई थी। रिद्धिमा ने उन्हें अपने बारे में बताते हुए अपना नाम निशा कहा। अक्सर वो लोगों को अब निशा नाम ही बताती थी। रिद्धिमा नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि रिद्धिमा जिंदा है। दूसरी तरफ गौरव मल्होत्रा अपनी माँ दीपा मल्होत्रा को लेने आया था। वो मॉल के सामने अपनी आलिशान मर्सिडीज में बैठा हुआ था। गौरव ने इरिटेट होते हुए खुद से ही कहा, उफ़ कि माँ बिना खुद को शॉपिंग पर जाना है और मुझे यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है। एक तो सारा काम छोड़कर मुझे यहाँ दिल्ली में शादी अटेंड करने ले आई, ऊपर से कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तभी गौरव ने देखा उसकी माँ मॉल से बाहर आ रही थी, उनके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की भी आ रही थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, धीमी हवा से उसके खुले बाल उड़ रहे थे। लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जैसे गौरव के दिल में उतर रही थी। उस लड़की की आंखें जैसे उसके निश्चल मन का प्रतीक लग रही थी। गौरव तो एक नजर में ही उस लड़की पर फ्लैट हो गया था। रिद्धिमा गौरव की माँ के साथ चलकर गौरव के सामने आकर खड़ी हो गई। दीपा जी ने गौरव और रिद्धिमा को एक दूसरे से मिलवाते हुए कहा, निशा ये है मेरा बेटा गौरव, गौरव मल्होत्रा, और गौरव ये निशा है, मुझे अचानक चक्कर आ गए थे तो इसी ने मुझे संभाला और पानी भी पिलाया। ये सुनकर गौरव परेशान हो गया। चिंता से गौरव ने अपनी माँ से कहा, ओ मॉम आप बिना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती अपना, चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। दीपा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ बेटा, निशा ने मेरी बहुत हेल्प की। गौरव की नजरें एक बार फिर रिद्धिमा की तरफ मुड़ी। रिद्धिमा का शुक्रिया अदा करने के लिए उसने कहा, थैंक यू निशा जी मॉम की मदद करने के लिए, अब वैसे आप करती क्या हैं? रिद्धिमा ने हल्के से मुस्कान के साथ जवाब दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं गौरव जी, मेरी जगह पर कोई भी होता तो यही करता, वैसे मैं फैशन डिजाइनर हूँ, सामने मेरी बुटीक है। गौरव ने इम्प्रेस होते हुए कहा, ओह ग्रेट मैं जरूर आपकी बुटीक देखना चाहूंगा। जिस पर निशा ने कंफ्यूज होकर गौरव को देखते हुए पूछा, क्या? गौरव मुस्कुराते हुए बोला, मेरा मतलब है कि मेरी खुद की टेक्सटाइल कंपनी है GM टेक्सटाइल्स, शायद हम साथ में काम कर सके। गौरव की ये बात सुनकर इम्प्रेस होने की बारी अब रिद्धिमा की थी। रिद्धिमा को याद आया और वो बोली, GM टेक्सटाइल्स, इस कंपनी ने तो पिछले 4-5 साल में बहुत नाम कमाया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। रिद्धिमा ने दिल ही दिल में खुद को कोसते हुए कहा, GM मतलब गौरव मल्होत्रा, ये उसने पहले क्यों नहीं सोचा? फिर मुस्कुराते हुए रिद्धिमा ने कहा, ओह सो सॉरी मैं जानती नहीं थी कि वो कंपनी आपकी है, मेरा मतलब है कि आपकी कंपनी तो फिलहाल टॉप पर है इस इंडस्ट्री में। दीपा जी बस गौरव और निशा को बात करते हुए देख और सुन रही थी। उसका बेटा गौरव अब 28 साल का हो गया था, और पिछले कई दिनों से दीपा जी गौरव को शादी करने के लिए कह रही थी, पर गौरव को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी, इसीलिए दीपा जी गौरव को दिल्ली में शादी अटेंड कराने के लिए ले आई थी, ये सोचकर कि कहीं यहाँ गौरव को कोई लड़की पसंद आ जाए। पहली बार दीपा जी देख रही थी कि गौरव की निगाहें किसी लड़की से हट ही नहीं रही थी। गौरव खुद सामने से इस लड़की से बात करना चाह रहा था। रिद्धिमा को बाय करते हुए गौरव कार में बैठा और बोला, तो फिर ठीक है मिलते हैं। गौरव को बाय करके रिद्धिमा भी अपनी बुटीक जाने लगी।
उधर कार में गौरव के ध्यान में आया कि उसकी माँ उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। गौरव ने फौरन अपनी माँ से पूछा, क्या आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हैं? जिस पर दीपा जी ने वैसे ही मुस्कुराते हुए कहा, लड़की अच्छी है, मुझे पसंद है। गौरव हैरानी से अपनी माँ को देखने लगा, जैसे उन्होंने गौरव की कोई चोरी पकड़ ली हो। थोड़ा सा हकलाते हुए गौरव ने कहा, क्या कुछ भी मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर दीपा जी सिर्फ मुस्कुरा दी। दीपा जानती थी कि अगर गौरव को निशा पसंद होगी तो गौरव खुद ही अगला कदम उठाएगा, और वही हुआ भी जैसा दीपा ने सोचा था, और गौरव सच में निशा के बुटीक पहुंच गया। गौरव को देखकर रिद्धिमा काफी हैरान थी। गौरव ने कहा था कि वो उसकी बुटीक में आएगा, पर रिद्धिमा ने ये सोचा था कि उसने गौरव की माँ की मदद की, इसीलिए बस शुक्रिया करने के लिए गौरव ने ऐसा बोल दिया होगा। गौरव सच में आएगा ये रिद्धिमा ने सोचा भी नहीं था। फिर एक दूसरे को विश करने के बाद गौरव ने रिद्धिमा से पूछा, तो निशा जी क्या मैं आपका कलेक्शन देख सकता हूँ? निशा ने एक्साइटेड होकर गौरव को अपना कलेक्शन दिखाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल आइए ना। गौरव रिद्धिमा का कलेक्शन तो देख रहा था, पर उसका ध्यान रिद्धिमा पर ज्यादा था। रिद्धिमा का हंसना, बात करने का तरीका, अपने काम को लेकर उसका पैशन, सब देखकर गौरव और ज्यादा इंप्रेस हो रहा था। गौरव ने फिर रिद्धिमा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपका कलेक्शन बहुत पसंद आया निशा जी, मैं जरूर आपके साथ काम करना चाहूंगा। रिद्धिमा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। खुशी से उसने कहा, ओह गॉड, ये तो सच में मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। गौरव मुस्कुराया और रिद्धिमा की आंखों में देखते हुए उसने पूछा, ओके तो फिर हम डिनर पर मिले, वहाँ डील डिस्कस कर सकते हैं? रिद्धिमा ने फौरन हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल गौरव जी। रिद्धिमा की हाँ सुनकर गौरव की आंखें खुशी से चमक उठी, और रिद्धिमा को बाय करते हुए उसने कहा, ओके तो फिर कल शाम को मिलते हैं, बाय निशा जी। गौरव को बाय करके रिद्धिमा ने एक्साइटेड होकर अपने असिस्टेंट जोया को गले लगाते हुए कहा, देखा तुमने जोया, मुझे लग रहा है कि वो हमारे कलेक्शन से काफी इंप्रेस हो गए हैं, मुझे लगता है जरूर हमें कोई अच्छी डील या कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। जोया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैडम जरूर ऐसा ही होगा, ऐसे मुझे लगता है कि उन्हें बिजनेस से ज्यादा आप में दिलचस्पी है, बार बार उनकी निगाहें बस आपकी तरफ ही मुड़ रही थी। जोया की बात हंसी में उड़ाते हुए रिद्धिमा ने कहा, कुछ भी जोया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होने वाला है गौरव और रिद्धिमा की मुलाकात का अंजाम? सच में रिद्धिमा का बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, या फिर गौरव के रूप में एक नया तूफान रिद्धिमा की जिंदगी में आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रात को जब रिद्धिमा और मिहिर दोनों बातें कर रहे थे तो रिद्धिमा ने मिहिर को गौरव के बारे में बताया, ये भी बताया कि कैसे आज गौरव रिद्धिमा की बुटीक में आया था। मिहिर सोच में पड़ते हुए बोला, देखो तुम्हारी ये फैशन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुझे कुछ खास समझ नहीं आता, और ना ही मैंने ये GM टेक्सटाइल्स के बारे में सुना है, क्योंकि मेरा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। पर अगर तुम कह रही हो कि ये बहुत अच्छी कंपनी है और इससे तुम्हें फायदा हो सकता है, तो फिर चली जाओ, और फिर सिर्फ डिनर की तो बात है। रिद्धिमा ने भी सोचते हुए कहा, सही कहा, डिनर के लिए जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैंने पहले यहाँ बोल दिया था, अब मना करना भी सही नहीं होगा, मैं चली जाऊंगी, मुझे बस अपनी डील से मतलब रखना है। मैं खामखा जोया की बात को लेकर इतना सोचने लग गई थी। रिद्धिमा ने आखिरकार फैसला ले लिया। एक्चुअली जोया की बात रिद्धिमा ने टाल तो दी थी, पर बाद में वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। अगर सच में गौरव रिद्धिमा में इंटरेस्टेड होगा तो ये कुछ सही बात तो नहीं थी। मिहिर ने भी कहा, हाँ रिद्धिमा सिर्फ डिनर के लिए जाने में कोई हर्ज नहीं है, और फिर तुम्हें अगर अपने बिजनेस में तरक्की करनी है तो तुम्हें लोगों से तो मिलना ही होगा। रिद्धिमा ने फिर सोचते हुए कहा, हाँ वैसे भी गौरव का इरादा तो बिजनेस करने का ही लग रहा था, अगर गौरव ने मुझमें इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश की तो मैं गौरव को तभी सब क्लियर कर सकती हूँ। आखिर इतने सालों में मैं इतना तो सीख ही चुकी हूँ कि लाइन कहाँ खींचनी है। ये सुनकर मिहिर ने रिद्धिमा को चिढ़ाते हुए पूछा, वैसे क्या वो बहुत हैंडसम है? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, ऋषित के मुकाबले गौरव थोड़ा कम ही पड़ जाएगा, पर फिर भी हैंडसम तो गौरव है। मिहिर फौरन रिद्धिमा की खिंचाई करते हुए बोला, ओह लगता है तुम्हें गौरव पसंद आ गया है, यस फाइनली तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल ही जाएगा। रिद्धिमा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए एक तकिया मिहिर को मारते हुए फेंका, तो मिहिर ने तकिया कैच कर लिया। फिर मिहिर हंसते हुए बोला, अरे अच्छा ही तो बोल रहा हूँ, गौरव अमीर है, हैंडसम है, तुम्हारे बिजनेस के लिए भी अच्छा है, और क्या चाहिए? आंखें गोल गोल घुमाते हुए रिद्धिमा ने कहा, मिहिर स्टॉप इट, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जानते हो ना। ये सुनकर मिहिर भी सीरियस हो गया। इतने सालों से मिहिर रिद्धिमा को जानता था। मिहिर को पता था कि रिद्धिमा ऐसी लड़कियों में से नहीं थी कि आसानी से किसी के प्यार में पड़ जाए। मिहिर जानता था कि रिद्धिमा अगर किसी से प्यार करेगी तो पूरे दिल से और शिद्दत से करेगी। शायद इसलिए रिद्धिमा के लिए जिंदगी में आगे बढ़ना इतना मुश्किल होगा। पर आखिर कब तक रिद्धिमा ऐसी ही रहेगी? यही सब सोचते हुए मिहिर ने कहा, क्यों नहीं हो सकता रिद्धिमा, जिस इंसान ने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें इतना दुख दिया, वो खुद तो अपनी जिंदगी में बड़ा खुश होगा, वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया होगा, फिर तुम क्यों उस दर्द को संभाले हुए हो अब तक? मिहिर का सवाल सुनकर रिद्धिमा ने सोच में पड़ते हुए कहा, मिहिर तुम जानते हो ना, उस एक्सीडेंट के बाद और निशांत को जन्म देने के बाद मैंने ऋषित की कोई खबर नहीं रखी, यहाँ तक कि मैंने अपने पापा या किसी और रिश्तेदार से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की। मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से ऋषित को ये पता चले कि मैं और मेरा बच्चा जिंदा है। मैं किसी भी हालत में अब अपनी और निशांत की जान खतरे में नहीं डालना चाहती। मिहिर ने भी सीरियस होते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम निशांत और अपने लिए कोई खतरा नहीं चाहती, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जिंदगी में आगे ही मत बढ़ो। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो तुम्हारा पति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होगा और खुश होगा, फिर तुम उससे डर कर कब तक लोगों से मिलना जुलना टालती रहोगी? ये सुनकर रिद्धिमा दिल ही दिल में सोचते हुए मन में बोली, हाँ सच में ऋषित अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होगा। ऋषित क्या कर रहा था इतने साल से ये जानना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था।
मैं चाहती तो आसानी से इंटरनेट पर सर्च करके निशित के बारे में पता कर सकती थी। वैसे तो अरोड़ा खानदान अपने पर्सनल बातों को कभी मीडिया तक पहुंचने नहीं देता था, लेकिन फिर भी कुछ बातें तो मुझे पता चल ही जाती। रिद्धिमा को यूं चुप देखकर मिहिर खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, ओ कम ऑन रिद्धिमा, इतना क्या सोच रही हो? रिद्धिमा ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, मैं चाहूं तो निशित के बारे में इंटरनेट पर या किसी और तरीके से जान सकती हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना क्योंकि मैं ये देखना स्वाद निशित की जिंदगी कितनी अच्छी और खुशी से गुजर रही है। ये सुनकर मिहिर ने फौरन कहा, वही तो मैं बोल रहा हूँ रिद्धिमा, अगर वो अपनी जिंदगी में खुश है तो तुम भी खुश रहो अपनी जिंदगी में। तभी लंबी सांस लेते हुए रिद्धिमा ने कहा, मिहिर तुम समझ नहीं रहे, जब मैं प्यार को समझती भी नहीं थी तब से सिर्फ ऋषित ही था मेरे दिल में, किसी और के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, फिर अब अचानक ऐसे कैसे किसी और को दिल में जगह दे दूं? इस पर मिहिर ने इरिटेट होकर कहा, रिद्धिमा 4 साल हो चुके हैं और देखो मैं माँ की तरह तुम्हें ये तो नहीं बोल रहा कि शादी कर लो, निशान को भी पिता का प्यार मिल जाएगा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम कम से कम किसी आदमी के बारे में सोचो तो सही। रिद्धिमा को याद आया कि कुछ दिन पहले सुधा माँ ने भी उसे सलाह दी थी कि वो दूसरी शादी के बारे में सोचे, इससे निशांत को भी पापा के प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। सुधा माँ तो रिद्धिमा के लिए कोई रिश्ता देखने को भी तैयार थी, पर रिद्धिमा ने उस वक्त इनकार कर दिया था क्योंकि वो खुद इस सब के लिए अभी तैयार नहीं थी और उसे ये पता नहीं था कि कोई भी इंसान निशांत को एक पिता की तरह उतना ही प्यार कर पाएगा। रिद्धिमा ने धीरे से एक कारण आगे करते हुए कहा, मैं नाम और पहचान बदलकर जी रही हूँ मिहिर, लेकिन अगर किसी दिन मेरी पहचान खुल गई तो मेरे साथ साथ बाकी सब भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मिहिर फिर से अपनी बात रटते हुए बोला, देखो मैं जानता हूँ तुम्हारी पहचान खुल गई तो प्रॉब्लम होगी, पर निशा बनकर ही तुम आगे बढ़ो ना जिंदगी में। देखो रिद्धिमा, मैं ये नहीं कह रहा कि शादी कर लो या फिर किसी सीरियस रिश्ते में पड़ जाओ, मैं खुद शादी पर यकीन नहीं करता, तो ये सलाह मैं तुम्हें नहीं दूंगा, पर यार कम से कम किसी और में इंटरेस्ट तो लो, उम्र क्या है तुम्हारी, तुम 24 साल की भी नहीं हो पूरी, कम से कम कोई बॉयफ्रेंड तो बनाओ यार। मिहिर की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि निशांत वहाँ गया और निशांत ने बड़ी मासूमियत से पूछा, इसका बॉयफ्रेंड? मिहिर शरारती भरे अंदाज में मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारी प्यारी मम्मी का बॉयफ्रेंड। लेकिन इस पर निशांत ने जो कहा वो सुनकर रिद्धिमा और मिहिर की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि निशांत ने मासूमियत से कहा, पर मम्मा के बॉयफ्रेंड तो तुम हो ना मिहिर। ये सुनकर मिहिर और रिद्धिमा मुंह खोले एक दूसरे को देखते रहे। बेचारे निशांत को ये नहीं समझ आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत बोल दिया, इसलिए निशांत ने फिर से कहा, आप बॉय हो और आप मम्मा के फ्रेंड भी तो हो, तो मतलब बॉयफ्रेंड हो है ना? मिहिर और रिद्धिमा ये सुनकर हंसने लगे। किसी तरह खुद की हंसी काबू करते हुए मिहिर ने कहा, हाँ उस तरह से देखा जाए तो मैं हूँ बॉयफ्रेंड, पर हमें तुम्हारी मम्मी के लिए दूसरा वाला बॉयफ्रेंड देखना होगा, अब तुम्हारी मम्मा खुद तो कुछ करने से रही, इसलिए अब हमें ही उसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा निशांत। जैसे ही मिहिर की बात खत्म हुई एक तकिया आके उसके सर से टकराया और रिद्धिमा ने इरिटेट होकर उसे कहा, मिहिर कुछ भी मत बोलो और मेरे बच्चे को ऐसी बातें मत सिखाओ तुम। रिद्धिमा ने एक और तकिया मिहिर को मारने को फेंका तो मिहिर भी एक तकिया लेकर रिद्धिमा को मारते हुए बोला, अरे कमाल करती हो यार तुम भी, उसे ये बातें मैं नहीं सिखाऊंगा तो और कौन सिखाएगा। रिद्धिमा और मिहिर को ऐसे देख निशांत भी एक्साइटेड हो गया और खुशी से बोला, आप दोनों फाइट फाइट खेल रहे हो, मुझे भी खेलना है। और अगले ही पल निशांत भी एक तकिया लेकर रिद्धिमा और मिहिर को मारने लगा। तीनों हंसते हुए बहुत देर तक ऐसे ही मस्ती करते रहे। क्या है ऐसा कि रिद्धिमा ऋषित को पता नहीं चलने देना चाहती कि वो जिंदा है? क्या ऋषित को बुलाकर रिद्धिमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ऋषित ने अपने सामने पड़ी आखिरी फाइल पर साइन किया